मिथिलांचल में मोटरसाइकिल एवं स्कूटी की दुनिया में धमाल। विगत 10 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर विक्की टीवीएस मोटरसाइकिल भटियारी सराय दुनार दरभंगा एवं हायाघा। दरभंगा में आरजेडी एमएलसी कारी शुएब का अभिनंदन समारोह में दिखे कार्यकर्ता उत्साहित। कारी शुएब ने महागठबंधन की सरकार को बताया जनता के हित में। टाउन हॉल में आरजेडी एमएलसी कारी शुएब का अभिनंदन समारोह आयोजन किया गया। इस आयोजन की अध्यक्षता युवा जिलाध्यक्ष राकेश नायक ने की। कारी शुएब के अभिनंदन समारोह में युवा के साथ साथ कई सीनियर नेता की मौजूदगी दिखी। कारी शुएब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रोजगार की गारंटी देते हैं और रोजगार मिलेगा, धैर्य रखने की आवश्यकता है। वहीं जब मीडिया ने पूछा कि आज बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज हो रही है तो उन्होंने कहा कि जो लोग भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, इससे पूर्व भी जांच का आदेश दिया गया था। वहीं इस कार्यक्रम में प्रदेश प्रवक्ता राजेश रंजन यादव और कई कार्यकर्ताओं ने कारी शुएब का भव्य स्वागत किया। दरभंगा के लोग, हमारे नेता बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी और आदरणीय हम लोगों के गार्जियन और सामाजिक न्याय के पौधा, देश के सामाजिक न्याय के सबसे बड़े चेहरा मास लीडर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को लोग धन्यवाद देने के लिए जमा हुए। पूरा बिहार धन्यवाद दे रहा है और दरभंगा में बहुत दिनों से हमारे युवा राजद के कार्यकर्ताओं की, राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जी के चाहने वालों की ख्वाहिश थी कि आप दरभंगा आइए। दरभंगा आइए, दरभंगा मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। ये वो जगह है, मेरी माँ की धरती है जिसने मुझे जन्म दिया है। मैं इस धरती को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। इसलिए हम तमाम दरभंगा वासियों को और तमाम बिहार वासियों को मैं धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरह से तेजस्वी यादव जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, ललित यादव जी, भोला यादव जी और तमाम हमारे मैडम राबड़ी देवी जी, तेज प्रताप जी, मीसा जी और तमाम सीनियर लीडरान जनाब जगदानंद सिंह बाबू, जगदा बाबू और तमाम अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, श्याम रजक जी, तमाम लोगों को, अवध बिहारी चौधरी जी, तमाम लोगों को जिस तरह से लोगों ने धन्यवाद और शुक्रिया अदा किया है, मैं दरभंगा वासियों का शुक्रिया करना चाहता हूँ। हमारी लड़ाई यही नहीं है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी फासिस्ट ताकतों के खिलाफ, जो राष्ट्रीय जनता दल की लड़ाई रही है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा बौखला गई है और सीबीआर ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, मैं चेतावनी देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का जो प्रकोष्ठ है सीबीआई और ईडी, आप प्रकोष्ठ बन के काम करोगे, बिहार की जनता आपको बिहार में घुसने नहीं देगी, आपको खदेड़ देगी। बिहार के लोग स्वाभिमानी लोग हैं। आप बिना तेजस्वी यादव जी पर किस तरह से गलत आरोप लगाया गया कि फला जगह मॉल है, बताइए, उस वो भाजपा वालों का, भाजपा के एमपी का मॉल है और वहाँ हरियाणा सरकार के तरफ से, वहाँ वो पर्यटन विभाग के तरफ से कार्यक्रम किया गया जिसका उद्घाटन स्वयं मुख्यमंत्री ने किया और वहाँ के सांसद ने किया, तो फिर वो किसका मॉल था? माफी मांगनी चाहिए भाजपा वालों को, माफी मांगनी चाहिए गोदी मीडिया वालों को। इसलिए बिहार की जनता आज इस सरकार के बनने से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की जो सरकार बनी है, इससे बिहार की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं, खुशी की लहर है। तो भाजपा चूंकि नफरत की राजनीति करती है इसलिए मोहब्बत और खुशी वो देख नहीं सकती। बताइए, पहले भी गठबंधन की सरकार थी बिहार में कई बार, ये गठबंधन की सरकार बनी है, जंगल राज की याद आ रही है, बिहार की जो स्थिति है उससे आप भली भांति परिचित है, तो फिर बिहार का विकास कैसे होगा? हमेशा गठबंधन की सरकार। हमारे नेता तेजस्वी जी ने जो बात कही थी उसको, एमएलसी बनने के बाद पहली बार दरभंगा की धरती पर आए हैं हम लोग युवा सभी साथी, जोरदार से उनका स्वागत किए हैं और माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, तेज प्रताप यादव जी को और माननीय माता राबड़ी देवी को बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं, जो एक गरीब के बेटा को एमएलसी बनाने का काम किए। हमारे युवा हैं और युवा जो है हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके आने से पूरे समाज में एक अच्छा मैसेज गया है कि एक गरीब के बेटा को भी एमएलसी बना के सदन में पहुंचाने का काम हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी किए हैं। हम लोग को भी अच्छा लगा, हम लोग के भी पूरा जोर शोर से उनका स्वागत किए हैं। कारी शुएब जी को, माननीय एमएलसी और सह राजद के युवा प्रदेश अध्यक्ष भाई कारी शुएब साहब जो है, उनका आज अभिनंदन समारोह
दरभंगा के टाउन हॉल में रखा गया था, जिसके तहत वो यहाँ आज पधारने का काम किए और हजारों हजार की तादाद में राजद के कार्यकर्ताओं ने जो है उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और सारे शहर में जो है जगह जगह उनको रोक करके जो है अभिनंदन किया गया, माला पहनाने का काम किया गया और युवाओं में जो है बड़ा जोश खरोश है। जब से जो है माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ जो सरकार बनाने का काम किए हैं, बिहार के युवाओं में जनता में बड़ा जोश खरोश है और बिहार बहुत जो है तेजी से तरक्की करेगा और जो तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया था 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का, उसको जो है नीतीश कुमार जी ने मोहर लगाते हुए 10 लाख लोगों को नौकरी देने का भी काम करेंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का भी काम करेंगे। इससे बिहार की जनता और युवा जो है बहुत खुश है। अपना परिचय, अशरफ दुलारे, जिला महासचिव राजद। India's first and only pure platform FI technology from TVS. Eco Thrust FI, an ETFI. जो दे 15% ज़्यादा माइलेज। Race tuned FI, an ERTFI. जो दे better real throttle feel. हम बनाए जो आपका दिल चाहे। आप क्या सोच रहे हैं, जल्द आए जल्द पाए अपना पसंदीदा वाहन। विक्की TVS दरभंगा के द्वारा विशेष सुविधा का लाभ उठाएं। प्रत्येक वाहन के खरीद पर सुनिश्चित उपहार, कुशल इंजीनियरों के द्वारा सर्विस की उत्तम व्यवस्था, पहले से बेहतर 15% ज्यादा माइलेज के साथ, लोन पर भी 1 घंटे में गाड़ी उपलब्ध। आए हाथों हाथ अपने पसंदीदा वाहन को अपने घर ले जाएं। ग्राहकों के सुविधा हेतु हमारा पता है विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा।